नमस्कार, स्वागत करते हैं आज की एक और न्यू वीडियो के अंदर में। दोस्तों, अगर आप भी आपके 10 साल पुराना फोटो डिलीट हो गया है तो दोस्तों इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक और आप कैसे डाउनलोड कर पाइएगा, दोस्तों आप रिकवर कैसे कर पाइएगा, तो इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा तभी आप कर पाइएगा। तो यहाँ पर से आप देख सकते हैं कि बहुत सारा फोटो यहाँ पर से डिलीट करे होंगे तो आपका मोबाइल में रिसेंट अभी के अभी आ जाएगा आपके मोबाइल में। तो दोस्तों ये एप्लीकेशन, दोनों एप्लीकेशन का लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप दोनों एप्लीकेशन से देख सकते हैं, चेकआउट कर सकते हैं और आप कैसे ला पाएगा तो दोनों एप्लीकेशन का लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। लेकिन इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा। तो दोस्तों यहाँ पर से आपको कर देना है वीडियो को लाइक और यहाँ पर से चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा। तो यहाँ पर से आपको यहाँ पर से चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद घंटी का आइकन पे क्लिक करके ऑल पे सेट कर दीजिएगा और सेट करने के बाद आप चलिए वीडियो में आगे चल के बताते हैं। तो दोस्तों आपको फोटो यहाँ पर से आप देख सकते हैं, इस एप्लीकेशन को जैसे ही आप ओपन करिएगा तो यहाँ पर से आप देख सकते हैं ऑल रिकवरी। तो यहाँ पर से एप्लीकेशन को जैसे ही आप ओपन कीजिएगा तो कुछ इस तरह का इंटरफेस शो हो जाएगा, देख सकते हैं कि व्हाइट कलर का शो हो चुका है। तो दोस्तों यहाँ पर से आप देख सकते हैं ऑल रिकवरी, तो यहाँ पर से आप देख सकते हैं फिर से उजर हो गया। तो दोस्तों यहाँ पर से क्या क्या आप ला सकते हैं अपने मोबाइल के अंदर में जो डिलीट किए हैं यहाँ पर से आप ला सकते हैं। तो यहाँ पर से अभी हम बात कर लेते हैं इमेज, वीडियो और कॉन्टैक्ट। तो यहाँ पर से एक एक करके अभी हम यूज करके दिखाते हैं कि आप कैसे ला पाइएगा। तो दोस्तों यहाँ पर से आपको इमेज वाले बटन पे क्लिक कर देना और जैसे ही आप क्लिक करिएगा तो यहाँ पर से कर देना है स्कैन, ठीक है। दोस्तों यहाँ पर से आपको स्कैन करने के बाद यहाँ पर से देख सकते हैं 111 इमेज यहाँ पर से आ चुका है। अब दोस्तों इसको कैसे डाउनलोड कर पाएगा तो यहाँ पर से आप देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से आइकन आ चुका है। अब दोस्तों इसको हम डाउनलोड करना चाहते हैं तो यहाँ पर से कर देना है री स्टोर। अब यहाँ पर से हम वीडियो की बात कर लेते हैं तो बैक कर देना है और यहाँ पर से आपको बैक कर देना है। बैक करने के बाद आपको वीडियो वाले आइकन पर क्लिक कर देना है। अब जैसे ही आप वीडियो वाले आइकन पर क्लिक करिएगा तो यहाँ पर से कर देना है स्कैन, ठीक है। दोस्तों यहाँ पर से आप देख सकते हैं कि यहाँ पर से 12 वीडियो आ चुका है। अब दोस्तों यहाँ पर से आपको वीडियो और साथ फोटो भी आ जाएगा। तो यहाँ पर से आप देख सकते हैं कि दो वीडियो यहाँ पर से देख सकते हैं, दो वीडियो यहाँ पर से देख सकते हैं, दो वीडियो। अब दोस्तों ये इसको कैसे वापस लाए पाएगा तो उसी प्रकार से आप ला पाइएगा। अब दोस्तों यहाँ पर से अभी कर लेना है बैक। बैक करने के बाद आपको कॉन्टैक्ट डिलीट हुआ है तो कॉन्टैक्ट पर क्लिक कर लेना है। अब क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा, आपका जितना भी कॉन्टैक्ट डिलीट किए हैं तो यहाँ पर से आपको सारे कॉन्टैक्ट यहाँ पर से आ जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर से हम बहुत सारे कॉन्टैक्ट को डिलीट किए थे जो सारा के सारा यहाँ पर से आप देख सकते हैं कि वापस आ चुका है। तो ये बहुत ही ज़्यादा ऑनसम एप्लीकेशन है। दोस्तों इस एप्लीकेशन को ज़रूर से आप यूज कीजिएगा और आपके जो भी डिलीट हुआ वह अपने मोबाइल में वापस ला पाइएगा। अब दूसरी एप्लीकेशन की बात करें तो इस एप्लीकेशन का लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस एप्लीकेशन की मदद से भी आप अपने मोबाइल से फ़ोटो डिलीट, खाली फ़ोटो इससे वापस आता है लेकिन उससे बहुत सारे वापस आ जाता है। जैसे हम कॉन्टैक्ट हुआ यहाँ पर से आप देख सकते हैं कि यहाँ पर से आ जाएगा और यहाँ पर से आपको क्लिक करना है रिकवरी पर, ठीक है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर से कर देना है ओके। दोस्तों इस एप्लीकेशन में आप इस तरह का भी ला सकते हैं। दोस्तों उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको पसंद आएगा। यहाँ पर से देख सकते हैं कि 124 गो हो चुका है। दोस्तों उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।